दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में सनातन संस्कृति के आधुनिक प्रेरणता हनुमान प्रसाद पोद्दार विषय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया। गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज के अध्यक्ष डॉक्टर ईश्वर शरण विश्वकर्मा, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे, भारतीय अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल, हरिकृष्ण पुजारी सहित अन्य पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वी के सिंह ने किया। इस मौके पर वक्ताओं ने सनातन संस्कृति के आधुनिक प्रेरणता हनुमान प्रसाद पोद्दार विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हनुमान प्रसाद पोद्दार सनातन धर्म के मानने वालों में से एक थे। हिंदू धर्म संस्कृति के जीवंत प्रेरणादायक भाई जी से गोरखपुर को अपना आध्यात्मिक स्थान चुना और देश में आध्यात्मिक ज्ञान देने का काम किया था। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा, जब भाई जी ने राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक आंदोलन के रूप में या राज सत्ता को अपदस्थ करने समाज में उस स्तर पर अपने मित्रों और आध्यात्मिक सहयोगियों के द्वारा गोरखपुर के स्थान का चुनाव किया और पहले ये तय था कि 3 महीना गोरखपुर में रहेंगे, शेष समय कहीं एकांतवास करेंगे, आध्यात्मिक साधना करेंगे। लेकिन फिर तो जो गोरखपुर आए तो गोरखपुर के ही हो गए और गोरखपुर के होकर के उन्हें भारतीयता का एक वैश्विक संदर्भ संपूर्ण विश्व के साथ रखा। मैं बात याद कर रहा हूं, कोई भाई जी अकेले उस समय काम को नहीं कर रहे थे। याद करिए, मदन मोहन मालवीय अपने प्रोफेशनल लाइफ को 1911 में छोड़ने के बाद संपूर्णतः हिंदू शास्त्रों के एक्सप्लोरेशन, हिंदू समाज के हित के लिए हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे थे, जिसको के प्रयास कर रहे थे। और 1917 में एक ऐसा स्वप्न साकार हुआ था जिसकी कल्पना नहीं कर सकता था कोई व्यक्ति, जिसको करके टैगोर जैसे व्यक्ति को जो हिंदू राष्ट्रीयता के समर्थक नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि मालवीय जी ने विश्वविद्यालय स्थापित करके पूरी दुनिया में हिंदू जीवन दृष्टि के बारे में, हिंदुओं की क्षमता के बारे में एक परिवर्तन किया है। क्योंकि माना जाता है हिंदू पाठशाला चला सकता है, विश्वविद्यालय चला सकता है, विश्वविद्यालय और वैश्विक संदर्भों में शिक्षण संस्थान हिंदू जीवन दृष्टि के आधार पर, हिंदू मूल्य दृष्टि के आधार पर नहीं चल सकता। मैं टैगोर के शब्दों को उद्धृत करता हूं, मालवीय जी ने उसको पढ़ा। वह एक आध्यात्मिक साधना और धर्म के प्रचार का उनका एक अपना तरीका था, जिसके आधार पर उन्होंने कहा था भारत हिंदू विश्वविद्यालय का शिक्षित युवा पूरी दुनिया में सांस्कृतिक राजदूत के रूप में भारत का काम करेगा। तो दूसरी तरफ अरविंद एक क्रांतिकारी, एक स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, उनको लगा कि स्वतंत्रता मिलती है इन परिस्थितियों में, यदि जागृत भारत नहीं है, अपने आध्यात्मिक साधना के मूल्य पर जागृत भारत नहीं है तो स्वतंत्रता मिलती है तो स्वतंत्रता व्यर्थ और निष्फल होगी। उन्होंने व्यक्ति परिष्कार का रास्ता योग के माध्यम से चुना और पांडिचेरी में केंद्रित होकर के एक समन्वित योग, इंटीग्रल योग, जिसमें दैविक भौतिक सभी प्रकार के दुखों के परिशमन के लिए जागृत व्यक्ति का, सचेत व्यक्ति का निर्माण हो सके, इसके प्रयास किए। अब इन दोनों ही प्रयासों का आने वाले दिनों में क्या होगा उसको कोई चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन भाई जी ने एक दूसरा है रास्ता, उन्होंने संपूर्ण समाज को, संपूर्ण हिंदू समाज को, संपूर्ण राष्ट्र को एक पाठशाला के रूप में लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं महत्वपूर्ण है उनके साथ, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि उस कालखंड की कल्पना करिए, संप्रदायों में विभक्त हिंदू समाज की कल्पना करिए, विविध प्रकार के मूल सिद्धांतों को ही अंतिमता मान करके, दार्शनिक मतभेदों को अंतिमता मान करके विचार करने वाले समाज की कल्पना करिए। ताकत चुनौती ज्यादा बढ़ी हुई है, तो उस चुनौती को किस प्रकार से हम प्रत्युत्तर कर सकते हैं भारतीय मूल्यों के आधार पर, यह भाई जी के मूल्यांकन से संभव हो सकेगा। सांस्कृतिक क्षेत्र जैसा कि भी आचार्य श्री भारत लता रत्न गर्भा है,
प्रतिघात के लिए या उसके क्षतिपूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर लोग स्वयं रूप प्रकट होते हैं। ऐसे श्रृंखला में भाई जी हमानुसार उद्दार एक नक्षत्र के समान चमकता हुआ नाम है। हम सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान में जन्मे, कार्य क्षेत्र उन्होंने असम और कोलकाता बनाया, लेकिन सारा प्रसाद ये गोरखपुर के भाग्य में प्राप्त हुआ। हम जब बरथा जाते हैं नागपुर के पास, तो दो महापुरुषों का आश्रम है, एक महात्मा गांधी जी का और विनोबा भावे का। विनोबा भावे जी की समाधि जब देखते हैं तो उस पर लिखा हुआ राम हरि, और महात्मा गांधी की समाधि देखते हैं तो लिखा हे राम। ऐसे जितने महापुरुष उस कालखंड के होते हैं, मदन मोहन मालवीय से लेकर पुरुषोत्तम दास राजेश टंडन जी से लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिमचंद्र जी से लेकर हम चले जाते हैं दक्षिण में पांडिचेरी तक, तो जो भी पॉजिटिव दृष्टि से जिनका कंट्रीब्यूशन इस देश को कुछ देने में है, वो सबके अंदर एक चीज दिखाई देता है कि वो 100% सनातन धर्मावलंबी लोग हैं। और जो लोग सनातन धर्मावलंबी नहीं है उनका कहीं ना कहीं से लगाव यूरोपियन गवर्नमेंट से है। तो जो भी इस देश के आत्मा के साथ सत्कार करता है और देश के साथ खड़ा हुआ है, वह इस देश के उस शाश्वत धर्म का संभाग है। और जब भी शाश्वत धारा से अलग होता है तो कहीं ना कहीं वो यूरोपीय बनता है, वो यूरोपियन बनता है। और निश्चित रूप से 1857 से लेकर 1920 तक ऐसे यूरोपीय धारा के पोषक लोगों के द्वारा इस देश को नुकसान करने का बड़ा षड्यंत्र किया गया था, लेकिन जैसे ईश्वर की कृपा एक बड़े खेत के रूप में, जैसे शरीर पे जगह चोट लगती है तो पूरे शरीर का खून दौड़ता है उसको भरने के लिए, कभी कभी वो ज्यादा भी हो जाता है, सूजन आ जाता है। अंगांगी भाव का जो कल्पना है हमारे वहां, उस प्रकार से जब भी कोई आपत्ति आती है, कोई समस्या आती है, तो पूरे देश में इस प्रकार के महापुरुषों का एक प्रादुर्भाव होता है। और उसका जो संबल होता है वह यहाँ का जो प्राचीनतम और अनवरत चला आ रहा स्वयं सिद्ध और हर प्रकार से परीक्षित जो धारा है सनातन धर्म की, वह सामने रहता है। सब प्रकार से विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले मदन मोहन मालवीय से पूछते हैं कि आपका सबसे प्रिय वस्तु कौन सी है, तो कहते हैं सबसे प्रिय वस्तु हमारी सनातन धर्म है। और सनातन धर्म के लिए मैं अनेकों हिंदू विश्वविद्यालय कुर्बान कर सकता हूं, सनातन धर्म की स्थापना के लिए ही हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना है। इसलिए मैं देखता हूं तो उस कालखंड में जब विचलन भी आता है, बहुत सारे राजनीतिक कारणों से ग्रंथों की रचनाएं हुई और कुछ लोग मुठ्ठी भर लोगों के विषय में ही रिसर्चेस हुए। दुर्भाग्य से हमारे आधुनिक भारत के इतिहास में एक विडम्बना ज्यादा है, कक्षा 1 से लेकर MA तक मैंने इतिहास पढ़ा, लेकिन हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को नहीं पढ़ा। गोरखपुर का हमने बात भी हमने थारे बायस रायों के वंशावली पढ़े, नाक कितने लंबे थे, गोरे कितने थे, लंबे कितने थे, कितना पढ़े थे, कितना बोलते थे, मुसलमानों की सारी वंशावलियां पढ़ी, मुसलमान की वो जो राजा थी रजिया सुल्ताना घोड़े चढ़ती थी, गहे चढ़ती थी, उतरते गहे चढ़ती थी, चढ़ते समय विशेष हाथ कौन लगाता था यह आवश्यक था। लेकिन गुरु गोरखनाथ का कंट्रीब्यूशन क्या है गोरखपुर में, यह गोरखपुर विश्वविद्यालय को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं रही। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का क्या योगदान था, यह गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ाना आवश्यक नहीं समझा गया। संत कबीर बुद्ध तो हो सकता है बुद्ध अध्ययन केंद्र के माध्यम से पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग विद्यार्थी होने के नाते हमको लगता है कि सिलेबस में मिला नहीं। इसीलिए इतिहास एक
परकीय विषय होकर रह गया। जब हजारों लोगों से मिलता हूं मैं और पूछता हूं कि इतिहास क्यों पढ़ते हैं आप, तो उन्होंने तको कहते हैं कि बीसीएस में अच्छा स्कोर बन जाता है, या कहीं और एडमिशन नहीं होता तो यहां हो जाता है, क्योंकि वह विषय हमारा रह नहीं गया, हमने उसको अपने से अपने को देखा नहीं इतिहास में। हमारे पूर्वजों को जो देखा तो हमारे पूर्वज अपमानित हैं, उसमें मारे पीटे गए हैं। जो भी हमारे पूर्वजों का कंट्रीब्यूशन है, जो सहयोग है, जो कुर्बानियां उनकी है, वो कहीं इंगित नहीं कराई जाती। हमारा मन और शरीर पवित्र होता है, इसीलिए आवश्यक है कि इस प्रकार के महापुरुष जो हमारे स्थानीय महापुरुष हैं, जिनका कोई ना कोई सहयोग हमारे राष्ट्रीय और धार्मिक और सामाजिक कार्यों में हुआ है, ऐसे लोगों का ठीक प्रकार से अध्ययन हो।